ईमन बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं शायद अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रही हैं, और जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है ना। ये लॉक का प्रॉब्लम तो बहुत दिनों से चल रहा है, और मैं मम्मी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लॉक कभी भी नहीं दबाती। इट्स ओके, प्लीज मुझे जाने दे। मेरा ही कसूर था, क्योंकि हमेशा मैं ही कसूरवार होती हूँ। अरे जिस तरह हर चीज का कसूर अपने सर थोड़ी ले लेते हैं। अगर इसमें किसी का भी कसूर है तो वो मेरा है। मुझे ये लॉक पहले ही चेंज करवा देना चाहिए था। अगर अपना कहती हो तो अपना समझा भी तो करो। सॉरी, लेकिन मैं और चुप नहीं रह सकता। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें इस तरह देखते हुए कि तुम हर चीज से खुद अकेले लड़ती रहती हो। अगर अपना प्रॉब्लम अपना दुख शेयर नहीं कर सकती तो कम से कम दूसरों को खुद से दूर तो मत धकेलो। रीच, विल यू लुक एट मी? थैंक यू। मम्मी को जरूरत है तुम्हारी, और जिस तरह तुम उनका ख्याल रखती हो शायद मैं कभी भी ना रख पाऊं। प्लीज रुक जाओ, प्लीज।